क्या रॉकेट रकून टोनी स्टार्क जितना स्मार्ट है? यहाँ वो कैजुअली टोनी स्टार्क के साथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट में इन्फिनिटी स्टोन्स को एडजस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है और वो इस दौरान जोक्स भी मार रहा होता है। वेल, हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, बट रॉकेट इस लेवल का जीनियस है कि वो डिफिकल्ट लगने वाली चीजों को भी आसान बना देता है। सो आई थिंक हमें रॉकेट को सभी टॉप लेवल के जीनियसेस की कैटेगरी में तो रखना ही चाहिए। यहाँ तक कि रॉकेट ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड्स बनाने में भी हाई एवोल्यूशनरी की मदद करता है। और वो फेमस सीन जहाँ वो टोनी से कहता है कि यू आर ओनली जीनियस ऑन अर्थ पैल, आई मीन जब वो ये जोक मारता है तब भी वो टाइम मशीन के ऊपर काम कर रहा होता है। लाइक वो इतना चिल बंदा है कि उसे कभी कोई चीज परेशान कर ही नहीं सकती। आई मीन वो इतने एफर्टलेसली काम करता है कि ये देखने में बहुत ही सिंपल लगता है। और इसका टेस्ट हमें फर्स्ट गार्डियंस में देखने को मिलता है, जब वो हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ग्रेविटी को शट डाउन करके प्लान में कैजुअली इम्प्रोवाइज करता है। वो गार्डियंस को हमेशा कुछ न कुछ क्रेजी टेक प्रोवाइड करवाता रहता है। वो हमेशा अपने शिप्स में काम करता है, उन्हें उड़ाता भी है और वो इस चीज को अच्छे से समझता भी है। एंड ऑनेस्टली किसी भी कैरेक्टर को टोनी के लेवल से कंपेयर करना मुश्किल है, बट रॉकेट जानता है कि जीनियस होना क्या है।